अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर मेंटर मोहित, वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। सो आज हम बात करेंगे कि यार कैसे चैट जीपीटी कितना एफिशिएंट है, कितना फास्टर है, और आपको टाइटल देख के अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने लगा हूँ कि कैसे चैट जीपीटी ने आपके गूगल को डिस्ट्रॉय किया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें बताता हूँ। जैसे चैट जीपीटी ओपन कर लिया, यहाँ पर मैंने उसको डिटेल दी कि व्हाट इज़ कैमरा, फर्स्ट कर लो मैं कंटेंट राइटर हूँ और मैंने कैमरा के बारे में सर्च करना है और मैंने उसके ऊपर कंटेंट लिखना है। अब यहाँ पे आके मैं 500 वर्ड्स लिखवा लूँ, 1000, 2000, 3000 जितने भी वर्ड्स लिखवा लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं गूगल पे आऊँ तो ये मुझे डिफरेंट लिंक्स निकाल देगा। यार ये देखो, यहाँ पे अगर आके मैंने लिख दिया व्हाट इज़ कैमरा, तो यहाँ पे उसने जो है मुझे बताना है भाई विकीपीडिया पे देख लें, फलानी फलानी वेबसाइट पे देख लें, तो मुझे सर्चिंग में और यहाँ पे कंटेंट निकालने में बड़ा टाइम मिल जाएगा, लग जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं इस तरह के पैराग्राफ पे कंटेंट लिखना और शुरू करता हूँ अपने बात से, तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। यहाँ पे आपको प्लेज फ्री कंटेंट ये सारा प्रोवाइड कर देगा किसी भी चीज़ के रिलेटेड। अच्छा, अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, आपको एक आइडिया हो जाएगा। गूगल रिस्पॉन्स टू चैट जीपीटी द न्यू AI टूल ब्रांड मेड अ फैक्चुअल एरर इन इट्स फर्स्ट एवर लाइव डेमो। यानी कि गूगल ने भी इसके रिस्पॉन्स में एक AI टूल निकाला चैट जीपीटी का, क्योंकि गूगल को खतरा है कि अगर सारा काम आपका AI बोट ही करना शुरू हो जाए। बेशक अभी के लिए चैट जीपीटी आपका निर्भर है आपके गूगल के ऊपर, बट इन फ्यूचर अगर चैट जीपीटी अपनी वेबसाइट या कोई ऐसी चीज़ लॉन्च कर देता है तो आपके गूगल को खतरा किस तरह है कि वो इस तरह है कि जैसे अभी मैंने आपको कैमरा की डेफिनेशन दिखाई, या जो भी प्रोग्राम है, जैसे भी है, वेबसाइट बनानी है, कुछ भी करना है, कंटेंट लिखना है, आपने लोगो डिज़ाइन करना है, कुछ भी करना है, तो वो सारा कुछ गूगल से लोग हट के चैट जीपीटी पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे गूगल को नुकसान ही नुकसान है। तो इन्होंने क्या किया, अपना AI टूल निकाला चैट जीपीटी के मुकाबले में, बट उसने पहली दफ़ा में ही जो है एक फैक्चुअल एरर के थ्रू उसने जो है पहली लाइव डेमो के अंदर पहली दफ़ा में ही गलती कर दी एक सवाल के अंदर, जिसकी वजह से मोर देन $120 बिलियन वॉज वाइप्ड ऑफ गूगल मार्केट वैल्यू आफ्टर द चैट बॉट गिव अ रॉन्ग आंसर। यानी कि उसने गलत आंसर दे दिया जो उसको दिया गया था। अब आप चाह के चैट जीपीटी पे आओ, यहाँ पे आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो और यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। जैसे ये चैट जीपीटी है, ये ओपन AI टूल लिखा हुआ है यहाँ पे। अब होता क्या है, जैसे पाकिस्तान में या आप पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर लो, कितने जीनियस लोग हैं जिसने फेसबुक बनाई, माइक्रोसॉफ्ट बनाया, आपके एप्पल ने बनाया, तो उन चार बंदों ने जब से इंटरनेट का टाइम आया या जब से जो है आपकी सॉफ्टवेयर की चीज़ें सारा कुछ उठा के आपके 2023 तक उसने सारा कुछ चैट जीपीटी के अंदर लगा दिया। यानी कि सारा उसका ब्रेन उसके अंदर रख दिया और वहाँ पे सारा कुछ जो है डाटा उसके अंदर फीड कर दिया। अब फर्ज कर लो यहाँ पे अगर आप कहते हो कैमरा में कैमरा की डेफिनेशन, तो यहाँ पे ये यह अगर हम गूगल पे सर्च करें गूगल पे भी आ जाएगी या किसी भी वेबसाइट पे जाके हमें मिल जाएगी, बट यहाँ पे प्लेज क्यों नहीं आता। अब यहाँ पे देखो, फर्ज कर लो डिक्शनरी के हज़ारों वर्ड्स हैं, तो हज़ारों वर्ड्स के अंदर से वो कहीं ना कहीं से वर्ड्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स पता नहीं क्या क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो उनको रिप्लेस करेगा वर्ड्स को और आपको डिफरेंट चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये आपका जितनी भी चीज़ें हैं ये गूगल से फेच नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखो जितने जीनियस लोग हैं जिन्होंने इसके माइंड को ओपन AI बोट को ट्रेन किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोट रिस्पॉन्स कर रहा है सारा कुछ, कोई बंदा आपको खुद रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसने इनको ट्रेन किया और दुनिया भर का नॉलेज इसके अंदर फीड कर दिया। अब गूगल पे क्या है, जैसे हम कोई असाइनमेंट्स बनाते हैं कॉन्टेंट राइटिंग के अंदर, कोई ब्लॉग्स लिखते हैं, कोई राइटिंग करते हैं, कोई न्यूज़ पेपर बनाते हैं, कुछ भी आप इसके अंदर आके लिखते हो, तो यहाँ पे हम गूगल को खुद वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हमारे पास अगर कॉन्टेंट राइटिंग का काम है हमारी कंपनी में, तो ऑलवेज हमारे जो है यहाँ पे अगर कोई लड़का कंटेंट राइटिंग कर रहा है किसी यूनिवर्सिटी का, तो वो यूनिवर्सिटी में जब देगा तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो चीज़ गूगल पे पेस्ट हो जाएगी, यानी कि गूगल पे वो चली गई है। अब आप कहीं उसमें से कहीं भी कोई भी एक लाइन या 10 लाइन उसकी कॉपी करके प्लेज पे चेक करोगे तो वहाँ पे 100% प्लेज आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एक जगह रजिस्टर हो गई है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपको कोई प्लेज नहीं आएगा, कोई चीज़ इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने गूगल को ट्रेन किया, यानी कि अगर आप गूगल पे आओ, अब मैं वापस बैक जाता हूँ आपको दिखाता हूँ, अगर मैं गूगल पे आऊँ देखो 1, 2, 3 कितने हज़ारों लिंक्स आ रहे हैं, उसके बाद सजेशंस, कीवर्ड्स, रिसर्चेस, उसके बाद यहाँ पे देखो गूगल के अंदर कितने पेजेस आ रहे हैं जिन्होंने इस चीज़ को अपलोड किया हुआ है। अब देखो फर्ज कर लो मेरी एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने कैमरा की डेफिनेशन अपलोड किया कंटेंट राइटर से लिखवा के, तो इसका मतलब है कि गूगल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अब यहाँ पे गूगल को हम सारी चीज़ें खुद बता रहे हैं, यार ये चीज़ है ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे हम सारा कुछ दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका चैट जीपीटी क्या करेगा, वो बेशक गूगल से सारी चीज़ें नहीं उठाता उससे, वो गूगल यानी कि गूगल के ऊपर अभी निर्भर ज़रूर है, मगर कल को अगर चैट जीपीटी अपना सॉफ्टवेयर बना लेता है, जैसे आपका iOS है और आपका एंड्रॉयड है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, जो चीज़ आपको आईफोन में नहीं मिलेगी वो आपको एंड्रॉयड में मिल जाएगी, तो इसी तरह अगर चैट जीपीटी अलग अपना सर्वर बना लेता तो यहाँ पे आपको जो है बीट कर
सकता है गूगल को रिप्लेस कर सकता है, सिर्फ इस मायने में नहीं कि यार आपकी ऐप्स वगैरह, सिर्फ इस मायने में भी हो सकता है कि यार जैसे कंटेंट है, आपका लोगो डिजाइनिंग है, आपकी वीडियो डिजाइनिंग है, आपकी वीडियो एडिटिंग कुछ भी है, प्रोग्राम्स हैं, सॉल्व्स हैं, मैथ की इक्वेशंस हैं, आप दुनिया की चीज़ इसको दे दो ये सॉल्व कर लेगा। अब यहाँ पे अगर मैं कोई मैथ की कोई चीज़ लिखूंगा तो ठीक है, मुझे उसका अगर मैथ का कोई सवाल है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का बुक की कोई चीज़ यहाँ पे कोटेशन कोई चीज़ लिख दूंगा, मुझे उसका फार्मूला तो कम से कम बता देगा ये, मगर ये उसका सॉल्यूशन नहीं सॉल्व करके बताएगा। चैट जीपीटी के ऊपर अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, जैसे मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे उसके सारे रिजल्ट्स निकाल के दे देगा, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनता है। अब यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला यूज टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, ये देखो उसने मुझे ये सारा डिटेल देना शुरू कर दी। अब यही चीज़ अगर मैं आके गूगल पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं गूगल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करते, तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ है, इससे से मुझे इक्वेशन बताई, इससे मुझे डिटेल नहीं बताई, मुझे तस्वीर इसने दिखा दी बट मुझे उसको सॉल्व करने का तरीका नहीं बताएगा। तस्वीरों में देखो ये वो तस्वीरें हैं जो लोगों ने अपलोड की हुई है, ये चैट जीपीटी ने खुद नहीं बनाई, सॉरी गूगल ने खुद नहीं बनाई। यहाँ पे क्या है, चैट जीपीटी खुद आपको फार्मूला देगा, आप इसके अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर जो है कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला का लिख दो, वो आपको इसका रिजॉल्वेंस बताएगा, आपको उसका तरीका बताएगा स्टेप स्टेप कैसे आपने इसको रिजॉल्व करना है। यहाँ पे आपको आप कोई भी क्वेश्चन दे दो उसको रिजॉल्व करके नहीं बताएगा। हाँ, लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट की हो तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको फेच करके आपको बता देगा, ठीक है, या फिर आपकी जो है तस्वीरों में जिस तरह यहाँ पे आ रहा है इस तरह बता देगा, बट आपको जो चैट जीपीटी है वो आपको डायरेक्टली चीज़ बताएगा। कंटेंट राइटिंग हो, चाहे आपका लोगो डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग सॉरी एडिटिंग कह रहा हूँ, टेम्पलेट डिजाइनिंग या कुछ भी है, आप इससे लैंग्वेज में लिखवा सकते हो, आप इसको जो है किसी भी कंट्री की लैंग्वेज के थ्रू भी लिखवा सकते हो, आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट सीएसएस एचटीएमएल कुछ भी कोडिंग भी करवा सकते हो, सारा कुछ करवा सकते हो। तो ये उस लिहाज पे गूगल को डिस्ट्रॉय कर सकता है कि नॉलेज के बेस पे वो इसको खत्म कर सकता है गूगल को। जैसे मैंने आपको ये न्यूज़ दिखाई कि यहाँ पे उसको 120 बिलियन डॉलर का लॉस हो गया सिर्फ एक गलत जवाब देने पे, जो कि गूगल ने उसको ट्रेन करके एक AI टूल को बनाया था। अब यहाँ पे देखो, गूगल ने ही उसको बनाया तो गूगल से ही उसको उसके टूल को चीज़ें उठानी चाहिए थी, बट उसने पहला सवाल का आंसर ही गलत दे दिया। तो यहाँ पे सिर्फ बात पैसों की नहीं हो रही, बट यहाँ पे बात हो रही है नॉलेजमेंट की। आपके पास यहाँ पे 4 जीनियस पर्सन या 10 जीनियस पर्सन ने इसको ट्रेन किया और यहाँ पे हम गूगल को ट्रेन कर रहे हैं, आपकी मेन चीज़ है ये, तो कि यानी कि हम गूगल को ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से गूगल के पास ये सारा नॉलेज है। अब फर्ज कर लो मैं गूगल के ऊपर यहाँ पे विकिपीडिया पे अगर कैमरा का ब्लॉग है तो नीचे अगर मेरी वेबसाइट नहीं आती होती, ये सारी वेबसाइट ना आती होती, तो गूगल को ट्रेन कौन करता, गूगल के लिए कौन लिखता ब्लॉग्स? हम लोग गूगल के लिए लिखते हैं और लोग यहाँ से उठा के चीज़ें अपनी असाइनमेंट्स वगैरह में अपनी जो है किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके लगाते हैं। तो ये चीज़ है, आपको गूगल सारी चीज़ें दे देगा, सारी तस्वीरें दे देगा, बट वो सारा हमने उसको प्रोवाइड किया। अगर यहाँ पे मैं कैमरा की पिक्स खोलूंगा तो ये वही चीज़ें हैं जो लोगों ने बना के इसके ऊपर लगाई हुई है। देखो ये वेबसाइट का नाम आ रहा है, ये वेबसाइट आ रही है, ये विकिपीडिया आ रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट हैं जिन्होंने खुद अपलोड की है, अपने मोबाइल से खींच के तस्वीर, अपने कैमरा से खींच के तस्वीर, यहाँ पे हम लोगों ने इसको ट्रेन किया गूगल को। बट चैट जीपीटी के ऊपर किसी चीज़ की इसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, या किसी देखो एक मशीन होती है और एक इंसान है, या आप बात कर लो गाड़ी वगैरह, तो देखो गाड़ी भी कोई बना रहा है बट उसका जो है मेन सिस्टम वगैरह वो कुछ लोग ही बना रही हैं। आईफोन अगर बना रहा है तो सारा आईफोन के वर्कर्स ही बना रहे हैं, बट जो उसका मेन ब्रेन है वो जो है एक बंदे ने डिज़ाइन किया था, स्टीव जॉब्स वगैरह ने, तो वो वही चीज़ आगे कंटिन्यू हो रही है। तो सेम ऐसे ही है कि यार आप यहाँ से आके कुछ भी निकलवा सकते हो, चैट जीपीटी हो या चाहे कोई भी चीज़ हो इसके ऊपर आप यहाँ पे निकाल सकते हो। बहुत सारी कंपनीज AI टूल्स पे वर्क कर रही हैं ऑलरेडी, बट जो जितना एफिशिएंट और जितना एक एज अ यूट्यूबर, एज अ ब्लॉगर, एज अ रिसर्चर कोई भी चीज़ है तो वो यहाँ पे आके वर्किंग कर सकता है। कोई भी टीचर है, कोई भी स्टूडेंट है, यहाँ पे आके पढ़ सकता है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकता है, कोई भी असाइनमेंट तैयार कर सकता है, कोई भी लोगो डिज़ाइन कर सकता है, या कोई भी दुनिया का काम है वो आपका चैट जीपीटी कर सकता है। हाँ, बट ये होता है कि इंसानों की लैंग्वेज लिखाई में बहुत फ़र्क होता है AI बोट में। क्या फ़र्क होता है कि जैसे अगर यही चीज़ मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखता तो दो तीन लाइनें अपने ज़हन से लिखता और एक फार्मूला दे देता, बट यहाँ पे चैट जीपीटी क्या करेगा, यहाँ पे लाइंस तो लिखेगा बट उनके सिनोनिम्स और लिख देगा, यहाँ पे चीज़ें जो है डिफरेंट हो जाएंगी, मतलब सेम रहेगा, चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें फीड है। अभी एक बंदा आपको कहे कि यार आप सारी दुनिया की जो है सारी लैंग्वेजेस में और सारी दुनिया की आप डिक्शनरी याद करो तो आप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल चीज़ है, बट आपकी जो मशीन लैंग्वेज है वो सारा कुछ समझ लेती है। और इसके अलावा आपके पास लैंग्वेज इसके अंदर आ जाती है, फिर आपके पास कोडिंग की चीज़ें आ जाती हैं, आप किसी भी जुबान में इसमें टाइप कर लो वो आपको रिस्पॉन्स दे देगा, तो आपको सारा कुछ ये करके दे सकता है यहाँ पे। तो इस वजह से ये ज़्यादा बेहतर है। और इस टाइम
जो है इस टाइम जितनी हाइप क्रिएट चैट जीपीटी की है उतनी गूगल की नहीं है। गूगल इस लिहाज से पीछे जाता जा रहा है अगर गूगल अपना एआई कोई टूल नहीं यूज निकालता। तो यहाँ पे समय बेस्ट है, मेरा मशवरा ये है कि आप चैट जीपीटी को ट्राई करो। कोई भी हो आप, कंटेंट राइटर हो, ब्लॉगर हो, कुछ भी हो, कंटेंट आपको यूट्यूब के लिए चाहिए तो यूट्यूब के लिए भी आपको कंटेंट ये देगा। तो ये सारे फैक्ट्स थे और इसमें काफ़ी सारी मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। खासतौर पर कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चैट जीपीटी क्या है, अगर नहीं पता तो मेरी जाके वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको नॉलेज मिली हो इसके थ्रू और आपको जो है वीडियो पसंद आए, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।